हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ डार्क क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं गैल्वेनोमीटर शंट्स, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर और बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो पहले चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर, जो कि है गैल्वेनोमीटर शंट। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस ऐड करते हैं इन सीरीज़ में, तो ये क्या करता है, ये लिमिट करता है यानी कि रोकता है करंट कॉज्ड बाय द अवेलेबल ईएमएफ। अवेलेबल की ईएमएफ की वजह से जो करंट होता है उसको लिमिट करता है। अगर हम एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर के, तो ये क्या करता है, बाईपास करता है मोस्ट ऑफ द करंट फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर से मोस्ट ऑफ द करंट को बाईपास कर देता है। अच्छा, एक और टाइप की शंट होती है जो कि यूज़ होता है, जो बहुत ही कन्वीनियंट होती है ब्रिज मेज़रमेंट के लिए, उसे कहते हैं एरिटन शंट। जिससे कि एरिटन शंट की मदद से क्या होता है, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है और ब्रिज बैलेंस इजीली अप्रोच हो जाता है। सो एरिटन शंट इंक्रीजेस द sensitivity of galvanometer and conveniently used in bridge measurement. So ये थी हमारे तीन शंट, कौन कौन सी, हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस और एरिटन शंट। अब चलते हैं हमारे पहला टाइप का जो गैल्वेनोमीटर है उस पर, जो कि है वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर एक तरह का परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। कैसा है, PMMC इंस्ट्रूमेंट है। यूज टू इंडिकेट नल पोजीशन इन AC ब्रिजेस। ये नल पोजीशन बताता है AC ब्रिजेस में, एंड AC पोटेंशियोमीटर्स ऑपरेटिंग एट 50 से 60 हर्ट्ज। और AC पोटेंशियोमीटर्स में भी ये नल पोजीशन यानी कि बैलेंस पोजीशन अगर हम कहें इसको, वो बताने का काम करता है इन AC में काम करता है ये, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो पावर फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे यहाँ क्या है, 50 हर्ट्ज है, उसमें भी ये एज़ गुड एज़ डीसी गैल्वेनोमीटर के बराबर ही सटीक और अच्छे तरह से काम करते हैं। अच्छा, इनको हम फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी और एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी में भी बना सकते हैं। इनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत शार्प होता है और ये डिटेक्ट कर सकते हैं बहुत छोटी स्मॉल करंट को भी ये डिटेक्ट कर सकते हैं। और कई बार ये यूज़ होते हैं मिरर और स्केल के साथ। किसके साथ, मिरर और स्केल। तो ये थे वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। अब चलते हैं बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की तरफ। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर लगभग सभी DC मैग्नेटिक मेज़रमेंट्स में यूज़ होता है। ये मेज़र करता है चार्ज, या आप कहें कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका कंस्ट्रक्शन होता है जो सिंपल सा और सिमिलर होता है डी आर सोनवेल गैल्वेनोमीटर, जो कि PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का ही दूसरा नाम है, डी आर सोनवेल गैल्वेनोमीटर। अच्छा, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो कंपटीशन के क्या बोलते हैं नज़रिए से बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि द बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज़ लाइटली डैम्प्ड। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर लाइटली डैम्प्ड होता है, क्यों, टू गेट द फर्स्ट डिफ्लेक्शन लार्ज। ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर लाइटली डैम्प किया जाता है ताकि पहला डिफ्लेक्शन हमें क्या मिल सके, लार्ज, बड़ा मिल सके। और जो इनमें डैम्पिंग यूज़ होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ध्यान रहे कौन सी डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये गैल्वेनोमीटर हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे एमीटर्स और वोल्टमीटर्स के बारे में। और अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं, आप रिवीजन अच्छे से कर पा रहे हैं, आपके माइंड में ये रिटेन हो पा रहे हैं, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।